कस्बर के पास मुझे फिर जाना पड़ेगा। कस्बर डावर तो ये कह रहे हैं पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान ने भेजे हैं वहां पर अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकी। समीर, इनकी बात को अगर एक साइड पे कर लें, ये मोहसिन डावर बड़े वाइब्रेंट हैं और इनके ऊपर तो गद्दारी के ऊपर भी फतवे लगते हैं। आप इसको एक साइड पे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। हाँ। आपने शेख रशीद की स्टेटमेंट सुनी होगी कि वो कहते हैं कि इनकी जो तालिबान की जो फैमिलीज है वो तो इस्लामाबाद में बैठी हुई है, वो पिशावर में बैठी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में बैठी हुई है। उसके बाद समीर क्या रह जाता है, आप मुझे बताएं। हम ये बात अगर मैं कहता तो शायद आज मुझे उठा के जेल में डाल देते, लेकिन मैं कोट कर रहा हूँ शेख रशीद को, हु इज इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो कह रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं है, वो कहते हैं कि तालिबान की तो फैमिली जहां पे बैठी हुई है। जब आपके अपने मुल्क में एक ऐसे ग्रुप की फैमिलीज बैठी हुई हैं जो कि वहां पे पावर में आ गए, तो आपके अपने जो तासरात हैं वो क्या होंगे। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो कहते हैं कि जब वहां पर डेथ होती है उनके तो दफनाने तो पाकिस्तान लेके आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में, इधर उधर, तो फिर बच क्या रह जाता है वहां पर समीर कहने को। ठीक है संजय कुलकर्णी साहब, मुझे ये बताइए ऐसे में चीन से फिर क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि आज दोनों देशों के विदेश मंत्री भी मिल रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। और जाहिर है अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभुत्व का भी इस मीटिंग में जिक्र होगा, ये मुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान का कनेक्शन तो जग जाहिर है, और पाकिस्तान के साथ आज की तारीख में अगर कोई मुल्क चट्टान की तरह खड़ा है तो वो है चीन, तो फिर चीन से क्या उम्मीद करें। देखिएगा ऐसे है समीर, अभी जब फॉरेन मिनिस्टर मिलेंगे वहां पे चीन के भी फॉरेन मिनिस्टर होंगे, पाकिस्तान के भी फॉरेन मिनिस्टर होंगे, जिस प्रकार से अपने फॉरेन मिनिस्टर ईरान और रशिया में जाकर के बातचीत कर रहे हैं, ये सब इस बात को दर्शाता है कि हिंदुस्तान जो है किस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर शांति चाहता है, क्योंकि उस शांति से हमारे कोई फायदा रहेगा। लेकिन जो चीन है, चीन का भी अफगानिस्तान के अंदर $3 अरब का निवेश है उनके तांबे में, और जहाँ की तांबे की जितने फील्ड है वहां पे खजाना जो है उसमें उनका जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। एक तो वो जो पाकिस्तान है वो बार बार चीन का सीपीसी के कारण पूरा का पूरा पीओके के अंदर उसका इंटरेस्ट है। बलूचिस्तान के अंदर जिस प्रकार से ग्वादार के लिए जाते हो कर बीएलए जो है वो चीन के बिल्कुल सख्त बरखिलाफ है। हाँ। तो ऐसे नापाक हरकतें चीन की, पाकिस्तान की भी, चीन की भी, दोनों की मिलकर के हम लोगों ने अभी बहुत अच्छी तरीके से, भारत ने ईरान रशिया दोनों के साथ मिलकर के इस तरीके से संबंध बनाने चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर भारत के लिए जितना आज की तारीख में जो गुडविल है उस गुडविल को फायदा उठाना चाहिए। ठीक है कुलकर्णी साहब, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और इस बीच एक अहम डेवलपमेंट ये है कि अफगानी नेताओं और तालिबान के बीच दोहा में बातचीत होगी, ये खबर आ रही है। शांति प्रक्रिया शुरू करने के मकसद से ये बातचीत होगी, अफगानी नेता और तालिबान के जो नेता हैं वो आमने सामने बैठेंगे। बैठक में अब्दुल्ला हामिद करजई, यूनुस कानूनी शामिल होंगे, अफगानिस्तान के कई और बड़े नेता भी बातचीत में शामिल होंगे। तालिबान की तरफ से कौन बात करेगा ये अभी साफ नहीं है। अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जनहार साहब, कुछ उम्मीद कर सकते हैं इस बातचीत से, जब आमने सामने बैठेंगे दोनों तरफ के नेता तो कुछ मसलों का हल निकलेगा क्या, ऐसी उम्मीद की जाए। देखिए समीर, ये जो बातचीत है आपको मालूम है, जो इसका फॉर्मल लॉन्च पिछले साल सितंबर में हुआ था, उस समय बहुत ये उधर से फैन ग्लोरी से वगैरह शुरू हुआ था जो अब दोनों ये बातचीत करने वाले हैं। परंतु तालिबान बातचीत करने में उसका बिल्कुल भी रुचि नहीं है, वो ये समझ रहा है जो जितना अगर वो मिलिटरीली जहां भी जितना ऑक्यूपाई कर सकता है उसी से वो पावर में आना चाहता है, बातचीत से वो पावर में नहीं आना चाहता। परंतु ये ठीक बात है जो अब, और वहां की जो अफगानिस्तान के जो लोग भी हैं, चाहे आप सरकार को भी छोड़ दें, लोग भी हैं वो कह रहे हैं भाई आपका तालिबान का ऑपोजिशन था फॉरेन ट्रूप्स, फॉरेन प्रेजेंस से, अब अमरीकी और नेटो के जो सारे फोर्सेज हैं वो बाहर चले गए हैं, अब वहां पर आप क्यों इतना वायलेंस बनाए हुए हैं, वहां पर क्यों इतनी हिंसा आप बनाए हुए हैं। तो ठीक है फॉर्मली वहां पर शुरुआत हो रही है दोहा में, जिसमें आपने ठीक बताया अब्दुल्ला रहेंगे वहां के जो हाई पीस काउंसिल के जो चेयर हैं, हामिद करजाई हैं जो पहले राष्ट्रपति थे वो सब रहेंगे वहां पर, मुल्ला बरादर रहेंगे वहां पर तालिबान की तरफ से, बातचीत होगी। मैं इतना ज्यादा उसमें वो नहीं देखता हूं जो कोई हमको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तालिबान तो बिल्कुल एकदम हावी होता जा रहा है। बिल्कुल तालिबान हावी होता जा रहा है और लगातार अफगानिस्तान के तमाम इलाकों पर कब्जे का दावा किया जा रहा है, बड़े इलाके पर कब्जा कर भी लिया है यह भी खबर है। ऐसे में इस बातचीत का कोई आउटकम निकलकर सामने आएगा इसकी उम्मीद कमी है।
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।